इस फिल्म की शुरुआत होती है बड़े फनी तरीके से। ली एक फिल्म पब्लिसिस्ट है, फिलहाल वो थिएटर में बैठा है। ग्वेन और एडी जो कि हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे हैं, दोनों रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं, पर दोनों अब अलग हो रहे हैं। ग्वेन अपने हस्बैंड से इतनी दुखी है कि उसने अपने हस्बैंड एडी के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा रखा है, पर इनकी आखिरी फिल्म टाइम ओवर टाइम रिलीज़ होने को है। ली की समस्या यह है कि अगर इस फिल्म के रिलीज़ होने तक दोनों साथ में नहीं रहे तो इस फिल्म को देखेगा कौन। इसलिए ली ने अपने साथी फिलिप्स को बुलाया है। फिलिप्स को ली ने हाल ही में फायर कर दिया था। उसे बुलाकर ली कहता है, तुम हर हाल में अमेरिका के स्वीटहार्ट एडी और ग्वेन को एक साथ लाओ, वरना यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और हम सड़कों पर आ जाएंगे। अब फिलिप्स इस काम में लगा है कि वो इन दोनों को एक साथ ले आए, और ये काम आसान नहीं है। पति पत्नी तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। प्रेस जंकेट पर इस फिल्म का प्रीमियर होना है, उसके पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। फिलिप्स ग्वेन की सिस्टर जूलिया रॉबर्ट्स यानी किकी को फ़ोन लगाता है। किकी कहती है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, भला किकी अपने जीजू और दीदी को एक साथ प्रीमियर पर कैसे ला सकती है, जबकि दोनों का बस चले तो एक दूसरे का खून ही कर दें। इसके बाद हम किकी की बड़ी बहन ग्वेन को देखते हैं। ग्वेन काफ़ी खूबसूरत है, उसे अपनी खूबसूरती का गुमान भी बहुत है। फिलहाल वो अपनी दूसरी फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त है, पर जब से उसने एडी से अलग होकर फिल्म बनाना शुरू किया है कुछ खास फिल्में चल नहीं रहीं। जर्नलिस्ट इस बात के लिए उसे पूछता है कि फिल्मों के ना चलने की वजह क्या है। ग्वेन कहती है कि उसकी फिल्में जापान में और इंडिया में अच्छी चलती हैं, पर जर्नलिस्ट उसके इस दावे को दरकिनार कर देता है। ग्वेन इस इंटरव्यू को बीच में छोड़ देती है। वो अपनी बहन किकी के सामने इसकी भड़ास निकाल रही है। किकी ग्वेन की सिस्टर होने के साथ साथ सेक्रेटरी का काम भी करती है। एक स्टार को बड़े देखरेख की ज़रूरत होती है उनके टेंशन से भरी ज़िंदगी को संभालने के लिए। इस पर ग्वेन है जो कि बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, इन सब को किकी बड़े अच्छे से संभाल लेती है। उसे हील्स पहनाने तक का काम भी किकी ही करती है। हिम्मत करके किकी ग्वेन को प्रीमियर पर आने की बात कहती है। ग्वेन कहती है कि इस फिल्म के प्रमोशन की जिम्मेदारी भी अब भरा उस पर है, ये कितनी अजीब बात है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं। एडी बारिश में बैठा अपनी बीवी को किसी रेस्टोरेंट में देखता है। उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड है हेक्टर। हेक्टर भी फिल्मों का एक्टर है। आजकल हेक्टर और ग्वेन साथ में ही रहते हैं, पर ये सब जानकर भी एडी ग्वेन के नज़दीक नहीं जा सकता क्योंकि ग्वेन ने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा रखे हैं। पर एडी ने आओ देखा ना ताओ अपनी बाइक से धूम स्टाइल में शीशा तोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर घुसा। बाद में ग्वेन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। एडी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है ऐसा कहकर। इतने में एडी को प्रीमियर पर लाने के लिए फिलिप्स पहुंचा है। एडी तो जाने वाला नहीं, पर जब फिलिप्स कहता है कि ग्वेन वहां होगी, एडी को उसे कन्फ्रंट करने का मौका मिलेगा। इस बात पर सोचने के बाद एडी प्रीमियर पर जाने को तैयार हुआ है। अब फिलिप्स ग्वेन को मनाने पहुंचा है। ग्वेन कहती है कि वो पिग अगर वहां होगा तो मैं नहीं जाने वाली। इतने में हेक्टर आ जाता है। हेक्टर स्पेनिश है। वो और ग्वेन फिलिप्स के सामने ही चुंबन क्रिया करना शुरू करते हैं। बेचारा फिलिप्स बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ये उसे क्या असाइनमेंट मिला है। हेक्टर भी ग्वेन से कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में प्रीमियर पर चलें, पर ग्वेन मैडम के नखरे बहुत हैं, वो नहीं मानी। फिलिप्स किकी से रिक्वेस्ट करता है कि किकी ग्वेन को मनाने जाए। किकी ग्वेन से कहती है कि तुम प्रीमियर पर एडी को डिवोर्स पेपर थमा सकती हो। इससे अब ग्वेन जाने को तैयार हो गई है। फिलिप्स यहाँ के डॉग से परेशान है। डॉग उसके अंगों को चाटे जा रहा है। दोनों की कार एक ही रूट से आगे पीछे चल रही है। अब लड़ाई इस बात की है कि प्रीमियर पर फर्स्ट कौन जाएगा और सेकंड कौन जाएगा। बेचारा फिलिप्स एक कार से दूसरी कार इन दोनों का मैसेज कन्वे करता है। ग्वेन कभी कहती है कि वो पहले जाएगी तो फिर कहती है कि वो सेकंड जाएगी। उसके नखरे उठाता हुआ फिलिप्स एडी तक उसकी ये जिद कन्वे करता है। अंत में ये फैसला हुआ है कि ग्वेन ही पहले जाएगी। उसके यहाँ आते ही मीडिया उसके पीछे लग गई। सारा अटेंशन ग्वेन ने ग्रैब कर लिया। बेचारा एडी कार में ही बैठा रह गया। एडी के पीछे दो चार मीडिया वाले पहुँचे। यहाँ होटल में एडी रुका है। वो फिलिप्स से कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं ग्वेन की पीठ में चाकू घुसेड़ दूँ। रात को ग्वेन के कॉटेज को देखने जाता है। वो वॉल से हैंग होकर एक लड़की को पीछे से देखता है। ये दरअसल किकी है जो कि बैक साइड से दिख रही है, पर एडी ने इसे ग्वेन का बैग समझ लिया। यहाँ उसे कैक्टस लगे, वो गिरा और यहाँ के कैमरों में सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने आकर एडी के इस हरकत की शिकायत की। फिलिप्स के रिक्वेस्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इस मैटर को दबा दिया। उन्होंने इसकी रिपोर्ट फाइल नहीं की, पर स्टार्स की हरकतें मीडिया में कैसे न कैसे आ ही जाती हैं। अब एडी की ये हरकत मीडिया की सुर्खियों में छा गई है। ग्वेन और किकी ने इन सब को देख लिया है।
ग्वेन इन सब की शिकायत यहाँ के मैनेजमेंट से करती है। वो फिलिप से कहती है कि एडी शायद उसे जान से मार डालना चाहता है, इसीलिए वो रात को आया था। पर रात को सोते समय ग्वेन का दिल पिघल गया। वो किकी से कहती है कि उसे एडी की चिंता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, मीडिया में उसकी बुरी पब्लिसिटी हो रही है। वो किकी को एडी के रूम में भेजती है। किकी अपनी बहन की जिद पर एडी से मिलने पहुँचती है। एडी कहता है कि वो फिर से ग्वेन को पसंद करने लगा है, उसने कल रात को ग्वेन को पीछे से देखा और उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। इस समय वो नशे में है, नशे में वो किकी को किस कर बैठता है। किकी अपने आप को छुड़ाती है। अगले दिन किकी फिर से एडी के पास आती है। एडी कहता है कि वो उस नज़ारे को भुला नहीं पा रहा जब उसने ग्वेन को पीछे से देखा था। किकी उसे नहीं बताती कि वो लड़की ग्वेन नहीं बल्कि वो खुद थी जिसे उसने पीछे से देखा था। दोनों इसके बाद यहाँ के टूर पर निकलते हैं। किकी बताती है कि ग्वेन एडी से मिलना चाहती है। इस तरह रात के अंधेरे में दोनों की मुलाकात हुई है। ग्वेन एडी से कहती है कि मीडिया के सामने हमें ये कहना है कि हम भी बहुत क्लोज हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इससे हमारी फिल्म का प्रमोशन ठीक से हो जाएगा। एडी ने इन सब के लिए हाँ कर दिया और मुलाकात ख़त्म हो गई। पर फिलिप्स के साथी ने इस मुलाकात को कैमरे में कैद कर लिया। ये इमेज अब मीडिया में फिर से फैल गई है। अगली सुबह दोनों मीडिया को दिखाने साथ में आते हैं। इधर किकी है जो अब एडी को पसंद करने लगी है। वैसे भी ग्वेन से उसका डिवोर्स हो रहा है, पर फिलहाल वो इस फीलिंग को अपने ही अंदर दबा कर रखना चाहती है। मेकअप के दौरान एडी ग्वेन से कहता है कि किकी बहुत खूबसूरत दिख रही है। ग्वेन को इन सब बातों से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं होती। फाइनली इनका इंटरव्यू शुरू हुआ। दोनों दिखाते हैं कि ये साथ में हैं। इस इंटरव्यू के बाद डिनर पर दोनों को मिलना है। मीडिया को ये दिखाना है कि दोनों में वाकई में सुलह हो गई है। ग्वेन किकी से कहती है कि वो नहीं जाना चाहती। उसने किकी को भेज दिया डिनर पर। ग्वेन की जगह वो पहुंची है। एडी किकी से कहता है कि उसे किकी का बिहेवियर ग्वेन से अच्छा लगता है। फिलिप्स ग्वेन को फ़ोन लगाकर उसे मजबूर करता है डिनर पर आने के लिए। ग्वेन यहाँ पहुँचती है और किकी को यहाँ से जाना पड़ा। दोनों यहाँ साथ में हैं कि तभी हेक्टर यहाँ पहुँच गया। वो एडी को मारने दौड़ता है। यहाँ दोनों में फाइट होती है। एडी को चोटें आई हैं। यहाँ मीडिया वालों ने इन सब को रिकॉर्ड कर लिया। ग्वेन और हेक्टर यहाँ से चले गए। ग्वेन हेक्टर को उसके बिहेवियर के लिए डांटती है। किकी एडी को संभालती है, उसे रूम में लाती है और यहाँ उसके जख्मों पर बर्फ लगाती है। यहाँ दोनों बेहद करीब आते हैं। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। अपने आप को एक दूसरे के आकर्षण से ये रोक नहीं पाते और इसके बाद दोनों यहाँ हमबिस्तर होते हैं। अगली सुबह दोनों साथ में बेड पर उठे हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर ग्वेन किकी को अपनी केयर करने के लिए ढूंढ रही है। एडी किकी को उसका टोस्ट बटर लगा कर देता है। किकी कहती है कि आज तक किसी ने उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया, हमेशा वही बनाया करती है, आज कुछ अलग हो रहा है। इतने में ग्वेन का फ़ोन आया है। उसने एडी को मिलने बुलाया है। एडी दौड़ता हुआ ग्वेन के पास पहुँचा है। ग्वेन एडी से हेक्टर के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। इतने में यहाँ किकी आकर ग्वेन के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। किकी तो ये चाहती है कि एडी उनके रिश्ते के बारे में ग्वेन से बता दे, पर एडी ऐसा कुछ भी नहीं कहता। इसका गुस्सा किकी अपनी तरह से निकालती है। वो ऑमलेट लाकर एडी के ऊपर ही उड़ेल देती है और तो और एडी को भर भर के गालियाँ देती है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगी। ग्वेन एडी से कहती है कि उनके बीच अभी भी कुछ है, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इनके रिश्ते को एक चांस और देना चाहिए। एडी भाग कर किकी को मनाने गया है। किकी उस पर अपनी भड़ास निकलती है। वो कहती है कि तुम अभी भी सिर्फ ग्वेन के बारे में सोचते हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं। यहाँ वो ये भी बता देती है कि उस रात जिसे एडी ने पीछे से देखा था वो ग्वेन नहीं थी बल्कि वो खुद थी। फिलिप्स किकी से मिलने आया जो कि गुस्से में नाश्ता कर रही है। फिलिप्स को किकी की बातों से ये फिगर आउट करने में देर नहीं लगी कि वो एडी से मोहब्बत करती है। एडी इस समय कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। सुबह को जब सभी इकट्ठा हुए हैं तब एडी यहाँ से ऊपर से जंप करने को आया है। नीचे खड़े लोग ये तमाशा देख रहे हैं, ग्वेन भी है। फिलिप्स एडी को बचाने आता है। एडी फिलिप्स से कहता है कि वो अब किकी से प्यार करता है, ग्वेन की उसे कोई परवाह नहीं। फिलिप्स भी उसे ये एडवाइस करता है कि ग्वेन से तुम अपनी शादी ख़त्म कर लो और किकी से शादी कर लो। इतने में विडमैन हेलीकॉप्टर से पहुंचा है कंप्लीट मूवी के साथ। इस फिल्म की स्क्रीनिंग यहाँ होती है, पर यहाँ पता चलता है कि विडमैन ने रियलिटी मूवी बनाई है जिसमें उसने ली को एक्सपोज किया है। इसमें हिडन कैमरे से शूटिंग की गई है उन लोगों की जो सेट पर मौजूद थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी फिल्मिंग की जा रही थी। ग्वेन सीक्रेटली हेक्टर के साथ अफेयर कर रही थी, वो इस बारे में बातें कर रही है और ये सब हिडन कैमरा में रिकॉर्ड होता जा रहा है। यानी ग्वेन को कोई अफसोस नहीं था, वो एडी को चीट कर रही थी। ग्वेन इस फिल्म को रुकवाने की कोशिश करती है,
पर एडी यहाँ आकर कहता है कि वह फिल्म की शूटिंग के दौरान ही किकी को पसंद करता था, पर कभी भी ये कह नहीं पाया। उसके इस अनाउंसमेंट से सब शॉक में है, ग्वेन भी, जबकि किकी खुश है। ग्वेन किकी से उलझते हुए कहती है कि तुमने मेरा हस्बैंड चुरा लिया। किकी इस बात की सफाई देती है, वो कहती है कि ये सब कल रात को हुआ था, इससे पहले उसने कभी भी एडी को चुराने की कोशिश नहीं की। यहाँ दोनों बहनों में टकरार होती है। किकी यह कहती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हर काम को कर दूँ, मेरी भी अपनी लाइफ है। ग्वेन मीडिया के सामने हैप्पी फेस दिखाकर यहाँ से चली जाती है। मीडिया के सामने ही किकी और एडी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं। मीडिया के सामने ग्वेन अपने आप को विक्टिमाइज दिखाती है, जबकि किकी और एडी यहाँ से पैकिंग करके हनीमून के लिए जा रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।